तो पापा हैं, काफ़ी टाइम के बाद घर पे आए हुए हैं। तो आरू और आरोही के लिए और पिन्नू और आर्यन के लिए कुछ गिफ्ट लेके आए हैं उनके खेलने के लिए। मम्मी आज आ रही हैं तो शाम तक आ जाएंगी क्योंकि कल पिन्नू का बर्थडे है। आरोही और आर्यन के लिए पापा छाता लेके आए थे उनके लिए, बारिश तो निकल गई तो उनको कहीं अच्छे लगे तो लेके आए हैं उन चारों के लिए। मम्मी के साथ दीदी, ताऊ की लड़की हैं, वो आई हैं और नाना नानी, तो सब लोग आए हुए हैं। और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं जैसे ही घर से स्कूटी लेके निकला था तो रास्ते में चलते चलते स्कूटी की बैरिंग है वो टूट गई थी। तो पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि इसकी बैरिंग टूट गई है, लगा कि हैंडल ढीला हो, लेकिन इसकी तो पहले बैरिंग ही निकल गई थी दोनों ही। तो मैं इसको फिर मिस्त्री के पास लेके गया तो वहाँ जाके पता चला कि इसकी बैरिंग टूट के इसमें अंदर ही चली गई है। तो मिस्त्री बोला कि वेल्डिंग वाला ही निकालेगा भाई, ये ऐसे तो निकल नहीं पाएगी, क्योंकि जो बाहर अंदर उसमें गोली होती है वो बाहर निकल गई थी, बैरिंग है वो अंदर सांचे बने होते हैं तो उसी में जाके फंस गई थी। तो फिर मैंने इसको जाके वहाँ वेल्डिंग वाले पे कटवाया, तब जाके स्कूटी सही हुई, वरना कभी भी किसी को भी एक्सीडेंट हो सकता था, एकदम से पता ही नहीं चला, गोलियाँ कट गई थी अंदर से। कली यार लटक गई है वो पर्दे से, तो दिब्बू कह रहा है सबसे। दिब्बू, ए दिब्बू, कौन है, कैसे कर रही है, कैसे कर रही हो भाई, बचाओ बचाओ, मतलब बोल रहा बचाओ। मैं अंदर खाना बना रही थी तो बच्चे इस रूम में खेल रहे थे, देखो इस रूम की हालत बहुत खराब कर रखी है बच्चों ने। तो दिव्यांश आता है भगा भगा किचन में, मम्मा देखो मैं क्या देखो ये लटक रही है, तो ऐसे बता रहा है ये मुझे खाने आ रही है। क्या हुआ दीपू, पापा को लेके आ रहा है साथ में। कौन है ये, कौन है दीपू, दीपू ऊपर देखो, कहीं लेके जा रहा है आपको, चल कहाँ लेके जा रहा है। और अभी मम्मी है नहीं है यहाँ पे, तो मम्मी से कॉल करके बोल रहा था का अम्मा ये छपकली छपकली बोलना तो जानता नहीं है, मैं दवाई खा लूँ पहले। अब बोल रहा है बाइक लेके चलो कहीं, किधर है दिव्यांश, कहाँ जाना है। कम बचा मैंने पहले करी थी सुबह सिलाई, उसके बाद खाना पीना बनाया, आज मैंने बनाई है कड़ी। अभी इस रूम की सफाई करूँगी, अभी ये रूम रह गया सफाई करने के लिए। लेके आए खिलौना आलू के लिए, आलू की पैक करके रखी हुई है, अभी पिन्नू की निकाल ली, सेम सेम है। और इधर देख बेटू, और आलू के लिए लेके आए हैं बॉल, एक दिव्यांश की है और आलू की है, ये छोटे छोटे हैं इस वजह से लेके आए बॉल खेलने के लिए। आलू और पिन्नू यहाँ में चलो करेंगी पीपी पे जा रहे हैं बाबा। आप सब पूछ रहे थे पापा जी नहीं दिखते, पापा जी नहीं दिखते, तो पापा जी आए। मैं तो जा रहा हूँ ले, जल गई नहीं जली, नहीं जली। क्या हुआ पिन्नू, अच्छा आलू दीदी के छाता को देने जाओगे तुम बुआ जी के पास। ओ ये तेरो है ये छाता, आलू जी के देवे जागी, दोनों को बाबा लेके आए। आलू ही की, आलू ही नहीं जानती है, अभी पिन्नू छोटी है तो वो आलू ही नहीं कितनी। अब जो जा रहा दादू को ढूंढने के, बाबा कहाँ गए, कहाँ गए दिव्यांश, बाबा गए, बाबा बाबा गए, छोड़ गए तो है। पापा जी जा रहे हैं गाड़ी पर ये छोड़ने के लिए जा रहे हैं, दिव्यांश पापा जी के पीछे पीछे घूम रहा है। यही होंगे बेटा, बाहर होंगे कहीं। दिव्यांश और पन्नू
बॉल से खेल रहे हैं। दिव्यांश आया बॉल पकड़ने। पिन्नू ने छक्का मारा। बॉल कहाँ गई पिन्नू आपकी? दिव्यू कहाँ गई बॉल? भागो भागो पिन्नू भाई के। तू इधर खड़ी हो बिट्टू, यहीं खड़ी हो जा। अरे ऐसे भल्ला भी छोड़ दिया। अब दिव्यांश की बॉल गोदरेज के पीछे चलेगी। अब कैसे निकालेगा देखो इसका निकालने का तरीका। क्या हुआ दिब्बू? गोदरेज इसके पीछे घुस गया। देखो निकल के आ रहा है बॉल लेके।